मैं सुनील यादव आपके सामने दो पहचानों के साथ खड़ा हूँ। मेरी पहली पहचान है सफाई कामगार, मैं मुंबई महानगर पालिका में काम करता हूँ। और मेरी दूसरी पहचान है मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरी पहली पहचान मेरे जन्म से न होकर पिछली बहुत सारी सदियों से और पीढ़ियों से मेरे साथ चिपकी हुई है। आज भी हमारे सोसाइटी में सफाई कर्मचारियों को बॉन्डेड लेबर, स्लेव और अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है। मेरी दूसरी पहचान की वजह से सोसाइटी ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो मिली, लेकिन आज भी मैं आर्थिक और सामाजिक तौर पर खुद को वंचित महसूस करता हूँ। मेरा जन्म एक बदनाम बस्ती में हुआ जिसका नाम धोबी घाट है। उसमें मेरे पिताजी स्कैवेंजर थे, उस स्कैवेंजर कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ। हमारे सभी माँ बाप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्यार और संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे माँ ने मुझे प्यार, संस्कार और अच्छी स्वास्थ्य तो दी, लेकिन शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि मेरे पिताजी एक अल्कोहलिक पर्सन थे। इस वजह से हर रोज घर में मम्मी को पीटना, गाली गलौज करना, तोड़फोड़ करना, ये हर दिन की जिंदगी बन चुकी थी हमारी। इसका असर हमारे दो बहनें और भाइयों पे हो रहा था। हमारी कैसी तैसी शिक्षा 10वीं तक पहुंच पाई। इसका असर सिर्फ शिक्षा कर ही नहीं हो रहा था तो हमारे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी हो रहा था। मैं 10वीं फेल होने के बाद मम्मी को आर्थिक सहयोग करने के लिए बहुत सारी जॉब की, जैसे वाइन शॉप में काम करना, ऑफिस बॉय के काम करना, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, इस तरह के बहुत सारे मैंने काम किए और मम्मी को हेल्प करता रहा। मेरे पिताजी बीमारी के चलते पैरालिस हो गए। घर में बड़े होने के नाते उनकी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कुछ अनुभव नहीं था उस काम का। पहला ही दिन मेरे लिए नरक और दुखद भरी घटनाओं से था। जब मुझे हाउस गली में सफाई के लिए भेजा, हाउस गली मतलब दो बिल्डिंगों के बीच में एक नैरो टाइप की जगह होती है, उसे हाउस गली कहते हैं। उस हाउस गली में जब मैं सफाई करने गया तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सफाई करने की, क्योंकि घुटने इतने गंदे पानी में, मरे हुए चूहे, बिल्लियाँ, बहुत सारे तरीकों का वहाँ पर कचरा था। मेरे सहकर्मी ने मुझे कहा कि सुनील, ये हमारा अंतिम सत्य है, तू हिम्मत करके काम कर। मैंने हिम्मत जुटाई क्योंकि परिवार का पूरा भार मेरे ऊपर था। काम करने के बाद 2 से 3 दिन तक मेरे हाथ से स्मेल नहीं जा रही थी। मुझे अंदर से झकझोर दिया था, मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन मुझे उस समय भी न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी, हिंदी और न्यूज़पेपर, हिंदी मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने की। उसके द्वारा मुझे जानकारी मिली कि 10वीं फेल होने के बावजूद कामगारों को पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन की
अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैंने उसकी जानकारी ली और उसके एंट्रेंस एग्जाम देकर मैं बीकॉम तक पहुंचा। मुझे लगा कि मुझे दूसरी जगह काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। मेरा जो क्लर्क था, उन्होंने वो मेरी डिग्री फाड़ दी और डब्बे के कचरे के डब्बे में डाल दी। मुझे उन्होंने कहा कि तुम एक सफाई कर्मचारी हो, तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है, तुम सिर्फ काम करो। मैं उसे हताश हो गया था। उसी बीच मेरे छोटी बहन को डाउरी के केस में जलाया गया और 6 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद भी मैंने बीए जर्नलिज्म, डीएचडब्ल्यू, एमएचडब्ल्यू इस तरह की डिग्री हासिल की। प्रशासन मुझे लगातार प्रताड़ना कर रहा था, मुझे दुख और पीड़ा दे रहा था। नाइट शिफ्ट में काम करते समय मेरे ऊपर हमले हुए, जान से मारने की कोशिश हुई। लेकिन आप जो चाहते हैं उसे, दिल से जो चाहते हैं उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात आपके लिए काम करती है, एक कहावत है। मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का पता चला। वहाँ पर एमए इन ग्लोबलाइजेशन लेबर जो कोर्स था, वो लेबर में से जो यूनियन का काम करते उनके लिए स्पेशलाइज था। वहाँ पर प्रोफेसर भूमिक से मेरी मुलाकात हो गई और मुझे पॉजिटिवनेस आ गया कि अच्छे लोग भी हैं जो हमारे ऊपर काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। उनके सहयोग से और हमारे पूर्व डायरेक्टर परशुराम जी के मदद से मैंने एमए इन ग्लोबलाइजेशन में दाखिला ले लिया। लेकिन वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर थी मेरे लिए। मेरे सहपाठियों ने मुझे कहा, सुनील जी, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को अपना शिक्षा का हथियार बनाइए, और साथ में वो इंग्लिश की पढ़ाई भी मुझे सिखाते थे। उसी का असर था कि मुझे विट वाटरलैंड यूनिवर्सिटी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कंपेरेटिव स्टडी करने का मौका मिला, और उसके लिए आईसीडीडी जर्मनी, ग्लोबल यूनियन जर्मनी और यूनी ग्लोबल यूनियन जिनीवा, इनके स्कॉलरशिप के सहयोग से मैं वो अपना रिसर्च सफलता के साथ पूरा किया। भारत लौटने के बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उन्हें ट्विंस होने वाले थे, वो ट्विंस में से एक बच्ची चली गई। उसका सदमा और दुख आज भी है मुझे। उसी समय मुंबई महानगर पालिका से लेबर ऑफिसर के जॉब के लिए रिक्रूटमेंट आई। मेरे पास उसके लिए फुलफिल एजुकेशन था, मैंने एप्लीकेशन करना चाहा, लेकिन दोस्तों मेरी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। इसकी जानकारी लेने के लिए मैं हमारे कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। उन्होंने 5 घंटा बाहर बिताने के बाद मुझे बुलाया और कहा कि तुम एक सफाई कर्मचारी हो, हम तुम्हें स्टडी लीव देंगे, प्रमोशन देंगे, तो ये सफाई का काम कौन करेगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसे उसके दिमाग और दिल से ये सोच आ रही है, तो इसका मतलब वर्ना सिस्टम और अनटचेबिलिटी अभी भी जिंदा है। मैं उससे हार न मानकर
फिर पढ़ाई के लिए आगे सोचने लगा, M.Phil इंटीग्रेटेड PhD की परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा था, उस परीक्षा को मैंने पास कर लिया। क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में यही बात सता रही थी कि जो हमारे सफाई कामगार महिला है, ये जो ऑप्रेस और डिप्रेस क्लास से आ रही है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा है कि तुम्हें लड़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े लिखे तुम लड़ाई करने जाओगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। उसी के द्वारा मुझे M.Phil इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन मिला। मैंने फिर अर्जी दी मुंबई महानगर पालिका को कि मुझे स्टडी लीव दी जाए, फिर से उसे नकारा गया। उसी समय मेरे माता ने मुझे घर से निकालने के सूचना दी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी करनी थी और जो रूम था वो बहुत छोटा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुझे तेरे पिताजी की नौकरी मिली है तो छोटे के लिए पिताजी का घर है। मैं और मेरी पत्नी, मेरी 2 साल की बड़ी बेटी और 6 महीने की छोटी बेटी के साथ मैं घर से निकला। लेकिन मेरे दिमाग में उनके भविष्य के लिए, उनके क्वालिटी एजुकेशन के लिए, मैं चेंबूर जैसे इलाके में अभी रेंट पर रहता हूँ। जब मुझे M.Phil में 3 सेमेस्टर होने के बाद भी स्टडी लीव नहीं मिल रही थी तो मैंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी रूल रेगुलेशन को ताक पर रखकर मुझे कहा कि आप आपकी खुद की छुट्टी लीजिए और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे जैसे हमारे पास आप पेश करोगे उसके बाद आपके आगे की छुट्टी के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। हाई कोर्ट में हर समय जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने दूसरे रास्ते के लिए खोजबीन की तो मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे बार्टी, यहाँ से मैंने फेलोशिप की एक परीक्षा एग्ज़ाम पास की। मुझे लगा कि अभी मैं सुकून से पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। मेरा संघर्ष मेरे साथ में चलकर मेरे आगे ही खड़ा था। जो बार्टी के नए डायरेक्टर आए थे उन्होंने मुझे फेलोशिप देने से नकार किया, क्योंकि मैं एक सफाई कर्मचारी हूं। इसके लिए मुझे हमारे महाराष्ट्र के CM से लेकर अन्य मंत्रियों से मिलकर वो फेलोशिप मैंने हासिल की, लेकिन वो 3 साल के बदले मुझे 2.5 साल मिली। वो 2.5 साल की फेलोशिप मुझे, पहला टर्म मुझे 10 महीनों के बाद मिला। उस 10 महीनों में मेरी हालत खस्ता होती जा रही थी। मेरा एक पेपर अमेरिका में सिलेक्ट हो गया कॉन्फ्रेंस के लिए, जो ह्यूमिलेशन ऑफ स्कैवेंजर के ऊपर था। लेकिन मुझे अनपेड या स्टडी लीव नहीं होने के वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। बहुत दबाव के बाद मुंबई महानगर पालिका ने मेरी अनपेड लीव को मंजूरी दी। मैं अमेरिका चला गया, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से मैंने पेपर प्रेजेंट किया, फिर न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ पर बाबा साहब पढ़ रहे थे वहाँ पर विजिट किया। न्यूयॉर्क में भी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जाकर विजिट किया। और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मैंने लेक्चर दिया। वहाँ से आने के बाद हमारे घर का भाड़ा भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी मिसेज भी लॉ की डिग्री कर रही थी। हमने हमारे शादी के सब गहने बेच दिए।
और जैसे तैसे हमने वो घर को बचा लिया और हमारी पढ़ाई आज भी चालू है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, रिलेटिव ने मुझे पैसे दिए, बहुत सारों लोगों से मैंने कर्जा लिया, बीएमसी बैंक के पास गया लोन के लिए, मेरा खुद का प्रोविडेंट फंड के लिए गया तो उन्होंने मुझे नकार दिया। इस स्थिति का सामना करते करते मैं पीएचडी तक पहुंच गया। अभी मेरे पास मेरे आगे के दो ही विजन हैं। हमारे लिए जो नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी बना हुआ है उसका मुझे प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि आज भी हमारे लिए 93 का एक्ट है, 2030 का एक्ट है, लेकिन उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं जाता। आज भी महीने में 5 सफाई कर्मचारी की गटर में मौत होती है, उनके लिए 10 लाख का मुआवजा देने का वो एक्ट में लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं या गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे लग रहा है कि हमारे कम्युनिटी को सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि जिस कम्युनिटी में 15 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 25 वकील होंगे, उस कम्युनिटी को देखने का सोसाइटी का नज़रिया अलग रहेगा। इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, प्रोफेसर बने, इसके लिए मुझे पावर चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी मेरे इंस्पायरेशन है। वो चाय बेचते बेचते हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं एक सफाई कर्मचारी, एक कमीशन का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता। दूसरी मेरा जो गोल है, मेरा विजन है, मुझे लग रहा है कि लंदन ऑफ स्कूल से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट डॉक्टरेट करनी चाहिए। साथ में मेरी जो वाइफ है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि लीगल में आप पीएचडी कीजिए। इससे समाज में मैसेज जाएगा कि हमें पढ़ने के बाद डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट तो मिलेगा। ये जो एजुकेशन की विचारधारा है, ये फुले शाहूड अंबेडकर विचारधारा है, और इस लेगेसी को मैं आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आपका भी हमें सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।